फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अविका किचन। और आज हम बना रहे हैं मूंग दाल पालक की ढोकली। देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी। तो यहाँ पे मैंने एक कप छिलके वाले मूंग दाल लिए हैं और 1/4 कप हमने चावल लिए हैं। इसमें हम पानी डाल के इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। घंटे बाद अब हम यहाँ पे पालक ले रहे हैं थोड़ी सी, उसे हम ब्लांच कर लेंगे, यानी कि गर्म पानी में 1 मिनट के लिए इसे डाल देंगे। और हमारी पालक ब्लांच हो चुकी है। हमने जो ये दाल और चावल भिगो के रखे थे, इन्हें हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी डाल के। अब एक मिक्सर लेंगे और इसमें हम ये दाल और चावल जो हमने भिगो के रखे थे वॉश करके इसमें डाल देंगे। मेरी मिक्सर यहाँ पे छोटी है, इसलिए मैं 2 बैचेस में इन्हें पीसूँगी। तो अब हमने यहाँ पे पालक डाल दिया जो हमने ब्लांच की थी और इसे पीस लेंगे। पीसते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। अब हमारी जो बाकी की दाल और चावल है उन्हें भी डाल के पीस लेंगे। और अब हम इसमें पीसते वक्त अदरक 1 इंच छोटी सी और 1 हरी मिर्च को कट करके डाल देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। फिर हम स्टीमर तैयार रखेंगे, प्लेट को भी ग्रीस करके रखेंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे इनो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर फटाफट से अपनी ग्रीस की हुई प्लेट पे बैटर को डाल के इसे स्टीम करने रख देंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क रहे हैं। अब मैंने इस तरह से कढ़ाई में पानी डाल के और मटका स्टैंड रख के स्टीमर तैयार किया है। इसे हम 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे फुल फ्लेम पे। और अब मैं यहाँ पे 17 मिनट बाद चेक कर रही हूँ तो मेरा ढोकला तैयार हो चुका है। इस तरह से नाइफ़ से चेक कर लेंगे, अगर नाइफ़ क्लीन आ रहा है यानी ढोकला हो चुका है। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। एक तड़का पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, राई। राई जब कुड़क कुड़क करने लगे तब इसमें डाल देंगे हम सफ़ेद तिल। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी सेक ली थी, उसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और हमारा ढोकला तैयार है। एकदम टेस्टी लगता है खाने में। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।